घटना से संबंधित जो अन्य साक्ष्य है इनको तब्दील किया गया, तो इसके द्वारा घटना में अपना शामिल होना कबूल किया है और इससे कब्जे से ये चीजें रिकवर हुई है, जिसमें जो व्यापारी सचिन गुप्ता थे इनका जो टूटा हुआ मोबाइल फोन भी रिकवर हुआ है, आधार कार्ड, जेब कार्ड, ये सारी चीजें रिकवर हुई है। शाम को ये कीर्तिमान लगभग 5:15 के बाद वहाँ पे गया था, वहाँ पे एक अन्य व्यक्ति भी उस समय पे आए थे, ये इनके साथ वहाँ 5:15 रहा मौजूद और फिर इसने उनके साथ वापस जाने का नाटक भी किया। वहाँ से वो वापस गया, वापस जाने के बाद फिर घटनास्थल पे वो मौके पे पहुँच गया। उस समय पे वो नीचे बेसमेंट पे जो व्यापारी है वो अपने अंडरवियर और बनियान में कुछ काम कर रहे थे नीचे, तो इसके द्वारा उनसे जाके सीधा पीछे से जो है गोली मार दी। और उसके बाद क्योंकि ये परिचित था, पहले भी उनके पास कई बार गया था, मोहल्ले का ही रहने वाला था, तो यदि वो लूट करता तो उसको पहचान ले जाने का डर था, इस कारण इसके द्वारा जो है उनकी हत्या की गई। और उसके बाद वहाँ पे जो भी चीज़ें इसको मिली उसको लेके ये फरार हो गया। इसका ये हमेशा अनुमान रहता था क्योंकि ये होलसेल के व्यापारी थे, तो इसको ये हमेशा अनुमान रहता था कि इनके पास काफ़ी पैसा रहता है, और इसी अनुमान के कारण इसके द्वारा लूट के उद्देश्य से इन तीनों के द्वारा ये योजना बना के घटना की है। हालांकि दुर्भाग्यवश उस दिन मतलब ये बात नहीं कि उस दिन उनके पास इतना कैश नहीं था, क्योंकि जो लोग आए थे उनको उन्होंने ऑलरेडी पेमेंट कर चुके थे, और मेन उद्देश्य इसका यही था, लूट कर रहा ये उद्देश्य था। पहले पूछताछ में इसने पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की गई, पर चीज़ों को और गहराई से जब पूछताछ किया गया तो सारी घटना सामने आई और इस घटना का पूरा खुलासा हो गया। Gracias.